बुलेटिन का आगाज करते हैं और अहम खबर से यह आगाज कर लेते हैं। शहबाज शरीफ की आशियाना स्कीम रमजान शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत का शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दिया गया है, जबकि फवाद हसन फवाद की आशियाना हाउसिंग स्कीम में जमानत मंजूर। आमदन से ज्यादा सासों के केस में जमानत मुस्तरद कर दी। नैब का जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस और रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानतें मंजूर करते हुए इन्हें फौरी रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। और जबकि फवाद हसन फवाद की आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में जमानत मंजूर, जबकि आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में फवाद हसन फवाद की जमानत मुस्तरद कर दी गई है। जब केस की समाअत शुरू हुई तो नैब के प्रोसिक्यूटर शहबाज शरीफ पर लगाए गए इल्जामात से मुतल्लिक दो रुकनी बेंच को मुतमईन ना कर सके। रमजान शुगर मिल का जब केस की समाअत जारी थी तो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने ये रिमार्क दिए कि आप बताएं कि क्या रमजान शुगर मिल के चेयरमैन। ठीक है, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ रहेगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे।